आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। पिछले 15 से 20 साल में ना सबसे ज्यादा रेलवे के एग्जाम में ये 10 क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया है। आप कोई भी अगर सीट उठाकर देखोगे ना, आपको इसमें से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा इस प्रकार का, और बहुत आराम से आप एग्जाम में कर पाओगे एक एक क्वेश्चन को। बहुत प्यार से देखिएगा और उम्मीद करते हैं सभी छात्र को समझ में आएगा ये हर एक प्रश्न 10 का 10 प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न हमारे सामने बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यदि 12 लेख का जो लागत मूल्य है वो 9 लेख के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ होगा या हानि होगा, उसका प्रतिशत बताना है कि लाभ होगा या हानि प्रतिशत होगा। आपको सवाल में बोला है कि 12 लागत, लागत का मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी 12 जो सीपी है ना वो किसके बराबर है, तो वो विक्रय मूल्य के बराबर है। वो भी कितना, तो 9 विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 9 सेलिंग प्राइस के बराबर। और आपको मैंने काफी बार मैथ में ये चीज सिखाया है कि बराबर अगर ऐसे दिया हो, अगर दिया हो 3a बराबर 4b, तो a का मान हो जाता है आप सभी का 4 और b का मान हो जाता है 3। ये चीज मैंने आपको काफी बार समझाया है। तो अगर यहां से आप लागत निकालोगे तो लागत क्या निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस 9 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 12। अब एक बात बताइए, सामान 9 रुपए में खरीदे जिसको 12 रुपए में बेच दिए तो कितने का फायदा हुआ, 3 का। 3 का फायदा कितने रुपए लगाने के बाद हुआ है, तो 9 रुपए लगाने के बाद, लागत तो 9 है ना, तो प्रतिशत में के लिए 100, तो 3 से 9 काटेंगे 3 बार में, और 100/3 क्या होता है, 33.1%। आई थिंक 100% लोगों को ये चीज पता चल गया होगा। अपने दिमाग में छाप लीजिएगा क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में इस प्रकार का सवाल बना है, नंबर इधर का उधर हो सकता है। दूसरा सवाल हमारे सामने ये वाला है, थोड़ा सवाल को बड़ा कर देते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, 1920 रुपए के लिए एक लेख बेचकर, यानी 1920 रुपया में कुछ सामान को बेच दिया जाता है और उसके बाद जो अर्जित लाभ होता है ना वह 1280 रुपए के लिए एक लेख बेचकर किए गए प्रतिशत नुकसान के बराबर है। कहने का मतलब बोल रहा है, सवाल पहले समझ लो, एक सामान 1920 रुपए में बेचा, इस पर जो भी लाभ प्रतिशत हुआ हमारा, ठीक, इस पर जो भी लाभ प्रतिशत हुआ, 1280 में जो सामान बेचकर नुकसान प्रतिशत हुआ, नुकसान प्रतिशत हुआ वो बराबर है। यानी 1920 में कोई सामान बेचे तो कुछ लाभ हुआ होगा, तो जो लाभ प्रतिशत हुआ 1280 में जो सामान बेचे नुकसान प्रतिशत के बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है, यही सवाल बोला है। तो 25% लाभ कमाने के लिए सामान को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, ये सवाल बोला है। तो एक बात, सवाल तो इतना आसान है कि मैं आपको बताऊंगा और आप उड़ा दोगे। आप बोलोगे भैया 1920 प्लस 1280 दोनों को जोड़ेंगे 3200 होगा, 3200/2 यानी 1600 हमारा क्या आ गया, 1600 हमारा लागत आ गया भैया, क्या आ गया, 1600 लागत आ गया, समझाऊंगा अभी। यानी लागत कितना है 1600, तो 1600 के सामान को कितने में बेचा जाए कि 25% का फायदा होगा, तो 1600 का 25% क्या होगा, 25% का मतलब क्या होता है, भिन्न में 1/4, तो इसका 1/4 कितना होगा, यानी 400 रुपए अधिक में बेचना पड़ेगा 1600 से, तो कितना में बेचना पड़ेगा, 25% लाभ कमाने के लिए सामान को 2000। सवाल सॉल्व हो गया, एकदम दिमाग में छाप लेना। अब इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं ताकि आप सभी को समझ में आए। देखो दोनों विक्रय मूल्य दिया गया है, इसको भी 1920 में बेचा है और 1280 को भी बेचा है। अब दो गो हमारे पास विक्रय मूल्य है, दो गो सेलिंग प्राइस है। आपको पता होगा एक चीज, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर हानि होता है, यानी प्रॉफिट बराबर क्या होता है, लॉस होता है। और फायदा कब होगा, जब सामान को ज्यादा में बेचेंगे लागत से,
यानी विक्रय मूल्य ज्यादा होगा लागत से तब हमारा लाभ निकलेगा। तो सेलिंग प्राइस वन लिख लो क्योंकि दो सेलिंग प्राइस है। अच्छा नुकसान कब होगा? जब पॉकेट से पैसा ज्यादा लगेगा यानी लागत ज्यादा होगा। तो बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस दो, क्योंकि दो सेलिंग प्राइस दिया गया है। तो सेलिंग प्राइस वन कितना दिया गया है? 1920 रुपए है। लागत हमें पता नहीं है, बराबर लागत बराबर 1280। अब 1280 को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा 1920 प्लस 1280, और सीपी को अगर उधर लेकर आ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी दो सीपी बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3200 बराबर दो सीपी। तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा? 1600, यानी लागत 1600 है। ठीक है, लागत कितना है? 1600। अब कितना ज्यादा में बेचे कि 25% का लाभ होगा? तो 1600 में 25% कितना होता है आपका? 400 रुपए, यानी 2000 में बेचना है। तो इसके लिए मैंने तरीका आपको बता दिया, इतना लंबा आपको एग्जाम में नहीं करना है। अगर ऐसा सवाल हो, अगर आपको सवाल में बोले, सवाल का नंबर चेंज हो सकता है, सवाल में अगर बोले ना 1920 रुपए में बेचे और कुछ लाभ प्रतिशत हुआ, और जब दूसरे जब 1280 बेचते हैं, कोई भी दाम हो सकता है, अगर उसने में बेचे तो जो नुकसान प्रतिशत होगा वो लाभ प्रतिशत के बराबर होगा। तो क्या करना है, लागत कैसे निकालना है? दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ दीजिएगा, ठीक, उसके बाद बटा दो कर देंगे तो हमारा लागत निकल जाएगा जो कि 1600 है। इसका 25% कितना होगा? 400 रुपए, यानी कितने में बेचना पड़ेगा हमें? 2000 में। सवाल पानी के तरह सबको क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल हमारे सामने, एक आदमी ने 375 रुपए में दो लेख बेचे, 375 में दो सामान बेच रहा है। सवाल के लैंग्वेज को समझो, सवाल तो चुटकी का है भाई, सवाल तो आपका चुटकी का है, सवाल के लैंग्वेज को समझना है आप सभी को, जितने लोग भी देख रहे हैं। सवाल आपका बोल क्या रहा है? सवाल बोल रहा है हमारे सामने, सवाल बोल रहा है हमारे सामने कि दो लेख बेचे और दोनों कितने में बेचे? दोनों एक ही दाम में बेचे, 375 और 375 में। पहले लेख पर 25% का क्या हुआ भाई? 25% प्राप्त करता है, यानी पहले लेख पर प्राप्त कर रहा है, 25% लाभ हो रहा है, और दूसरे पर 25% खो देता है, यानी नुकसान होता है। तो इसके अलावा पूरे लेन देन पर लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? अगर सवाल में ऐसा बोले, सवाल में बोले जितना नुकसान हो रहा है उतना ही फायदा हो रहा है, जितना नुकसान हो रहा है उतना ही फायदा हो रहा है, तो 100% क्या होगा? 100% नुकसान होगा। मैं दिखा भी दे रहा हूं। तो तरीका क्या है? कुछ नहीं करना है, जितना नुकसान या जितना फायदा हो रहा है ना उसका स्क्वायर कर दीजिएगा और बटा 100 कर दीजिएगा, आंसर आपका होगा। 25 का स्क्वायर आपका 625 बटा 100 कितना होगा? यानी 6.25% का नुकसान होगा, ये हमारा उत्तर होगा। अगर सवाल में बोले कि जितना फायदा उतना ही नुकसान हो रहा है, जितना फायदा उतना ही नुकसान हो रहा है, तो जितना फायदा नुकसान हो रहा है उसका वर्ग कर बट्टा 100 कर दीजिएगा, और हमेशा क्या होगा? हमेशा नुकसान होगा, वो हमारा उत्तर हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सवाल समझा भी दे रहा हूं। देखो, मान लीजिए आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, 375 में सामान, एक सामान, दूसरा सामान 375 में, पहले सामान पर 25% का लाभ हुआ, 25% का फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 1/4, यानी लागत कितना है? नीचे वाला 4, 4 पर 1 का फायदा, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? लागत में फायदा जोड़ेंगे, 4 में 1 जोड़ो तो लागत कितना हो जाएगा? 5। यहां पर 25% का नुकसान हो रहा है, यानी 1/4, तो यहां लागत हमारा 4 है, लेकिन विक्रय मूल्य कितना है? अब 4 पर 1 का नुकसान हो रहा है तो लागत यहां पर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना आप सभी को? अब देखो ये क्या दिया गया है, इतने में बेचा गया है, तो यहां पर विक्रय मूल्य कितना है? 5। तो 375 अगर 5 के बराबर है तो 1 का मान कितना होगा? 7/75। यहां पर अगर लागत 3 है, विक्रय मूल्य 3 है,
और यहाँ पर तीन का मतलब 375 है, तो एक का मान कितना हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा। तो आप बताओ पहले में पैसा लगाए कितना, एक का मतलब 75, एक का मतलब 75, तो चार का मतलब कितना हो जाएगा, यानी पहले में लागत 300 है, एक का मतलब 125, तो चार का मतलब आपका 500। तो पैसा लगाए कितना 500 और 300, 800 रुपया लगाए, 800 रुपया लगाकर सामान को कितने में बेच दिए, 375 और 375 750 में, तो 800 के सामान को 750 में बेच दिए, यानी नुकसान हो गया कितने का, 50 का नुकसान हो गया। 800 रुपए लगाने के बाद 50 का नुकसान हो जा रहा है, तो हमें नुकसान हुआ ना, नुकसान कितने का हुआ 50 का, कितने रुपए लगाने के बाद 800, तो बटा 100। ठीक, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भैया, बहुत आराम से बन रहा है, ये कटा ये कटा, उसके बाद 5 से 80 जाएगा 16 बार में, और 16 से 100 जाएगा 6.5%। इतना लंबा आपको भाई नहीं करना है दोस्त, आपको बस इतना ख्याल रखना है, ये तो मैंने आपको पूरा समझाया, इतना लंबा आपको थोड़ी ना करना है एग्जाम में, आपको बस इतना याद रखना है, अगर ऐसे सवाल में जितना लाभ हुआ और उतना ही नुकसान हो रहा है, नंबर वही है, तो उसका वर्ग कर कर बटा 100 कर दीजिएगा, 625 बटा 100 यानी 6.25% का नुकसान होगा हमेशा। ठीक है, अगला सवाल हमारे सामने लीजिए, सवाल बोल रहा है एक व्यक्ति ने 45% लाभ पर एक टीवी को बेचा, कितने के लाभ पर बेचा, 45% के लाभ पर। ठीक, अगर वो 60% के लाभ पर बेचे, यानी 45 के जगह वो 60% के लाभ पर बेचे, तो उसे उसके पॉकेट में ना 2250 रुपए अधिक आएगा। अगर 45% के जगह 60% में बेचे तो 2250 रुपए पॉकेट में अधिक आएगा, यानी यहां पर कितना ज्यादा में बेच रहा, 15% में, इसको कितने रुपए के बराबर है, 2250 रुपए के बराबर, तो 1% कितने के बराबर है, 15 से जाएगा 15 बार में 150 के बराबर, तो 100% कितने के बराबर होगा, 1% अगर 150 के बराबर है तो 100% आपका 15,000 के बराबर है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अच्छे से देखो आप सभी, सवाल यहां पर क्या बोल रहा है, एक आदमी सामान को 5% लाभ पर बेचता है, 5% के लाभ पर बेच रहा है, मान लो लागत सेलिंग प्राइस, लागत यानी कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, ठीक है, सामान को कितने में लाया होगा, मान लीजिए 100 रुपए में लाया होगा, 5% लाभ पर बेच रहा है, तो 5% लाभ मतलब 100 का 5% 5, यानी लागत में अगर फायदा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य, यानी 105 में बेचा होगा। अगर वो 20% कम में खरीदता, 100 में नहीं, इसके 20% यानी 20 रुपए कम में खरीदता, तो 80 में खरीदता, तो जाकर उसे 35 रुपए और ज्यादा में बेचता, अगर वो 80 में खरीदता तो 35 रुपए और ज्यादा में खरीदता, तब जाकर उसे 40% का फायदा होता, 80 के सामान पर 40% का फायदा, 80 का 40% कितना होता है, 80 का 10% 8 होता है, 20% 16, 30% 24, 24% 32, यानी इसमें अगर 32 जोड़ दे तो कितने में सामान बेचता, 112। ठीक, तो यहां पर कितने ज्यादा में बेच रहा है, 7 में, लेकिन सवाल में बोला 35 रुपए में, तो ये जो 7 है वो 35 के बराबर है, तो एक हमारा 5 के बराबर है, तो सवाल में बोला पर हम स्टार्टिंग शुरुआती लागत क्या है, शुरुआती लागत तो 100 था और एक का मतलब 5 है, तो 100 का मतलब आपका कितना होगा, 500 रुपए होगा आंसर हमारा। ठीक है, आई थिंक जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, सभी को समझ में आ रहा होगा, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है ये, लाइव क्लास आप सभी का चल रहा है, ये सब एक आप सभी के फटाफट करवा रहा हूं ताकि सबको समझ में आए। एक सवाल ये बनता है आपके बहुत सारे एग्जाम में, सवाल बोला है 2 टेबल और 3 कुर्सी की कीमत एक साथ 2000 रुपए, 2 टेबल 2 टेबल प्लस 3 कुर्सी को मिलाकर कितना रुपया हो रहा है, 2000 रुपए हो रहे। ठीक,
फिर बोला है जबकि तीन टेबल और दो कुर्सी की कीमत कितना है 2500। अब तीन टेबल प्लस दो कुर्सी का दाम कितना बोल रहा है 2500 बोल रहा है। तो आपको बताना है एक टेबल और पांच कुर्सी का दाम क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं, या तो टेबल को बराबर कर दो या कुर्सी को बराबर कर दो, तो किसी को बराबर कर दीजिए। तो एक काम करते हैं, बराबर कैसे करते हैं, अगर इसको तीन से टेबल को बराबर करते हैं पहले, किसी को बराबर कर दो आंसर निकल जाएगा। टेबल को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वालों को तीन से गुना कर दो और नीचे वाले को दो से गुना कर दो। तीन दुनी छह टी प्लस आपका नौ चेयर बराबर 6000। ठीक, अब ये छह टी बन गया, बराबर हो गया टेबल, प्लस आपका चार सी बराबर 5000। अब यहां से आपका चेयर का दाम निकल जाएगा एक कुर्सी का, छह टी कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 में से 4 जाएगा आपका, तो 5 चेयर, और ये कितना हो जाएगा आपका 1000। यानी 5 चेयर का कीमत अगर 1000 रुपए है तो एक चेयर का दाम आप बोल सकते हो भैया 200 रुपए। क्लियर हो गया ना, और आपको बताना कितना है एक टेबल और 5 कुर्सी का दाम। तो 5 कुर्सी का दाम तो हमें पता है भैया 1000 है, एक टेबल का दाम पता करना है। एक टेबल का दाम पता हो जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है एक कुर्सी का दाम 200 रुपए है। तो किसी में बैठा दो, तो तीन कुर्सी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, एक कुर्सी का दाम कितना है आपका 200, तो तीन कुर्सी का दाम आपका 600 हो जाएगा। और 600 को जब उधर लेकर जाओगे 2000 से आपका ये घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा। यानी दो टेबल का दाम हो जाएगा आपका 1400, तो एक टेबल का दाम आपको 700 हो जाएगा। और आपको बताना है एक टेबल और 5 कुर्सी का दाम, 5 कुर्सी का दाम 1000 है और एक टेबल का दाम आपका कितना है 700 है, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 17। ठीक है, अगला सवाल हमारे सामने, एक सवाल जो अक्सर एग्जाम में बनता है, एक व्यापारी अपने माल के लागत मूल्य से 50% ऊपर रखता है। मान लो सामान को 100 रुपए में लेकर आया और लागत मूल्य से, एक दुकानदार है 100 रुपए में सामान लेकर आया लेकिन इसका दाम बढ़ा दिया 50% से, यानी सामान का दाम कितना हो गया 150 रुपया। यानी आप जब दुकान गए तो पीछे में दाम कितना लिखा हुआ है, 100 रुपए में सामान दुकानदार लिया था लेकिन 50% बढ़ाकर पीछे छपवा दिया, यानी सामान का दाम छपवा दिया 150 रुपए। अब दुकान के अंदर ग्राहक आया और बोला हमें 20% की छूट दीजिए उसके ऊपर। अब 20% का छूट दे दिया, 20% कितना होता है 10% 15 20% 30, तो अगर इसमें से छूट निकाल देंगे तो ये दाम जो है वो ग्राहक का दाम है, इतने में ग्राहक खरीद कर ले जाएगा। तो खरीदने के दाम को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। यानी 100 रुपए के सामान को 120 में अंत में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ, 100 के सामान को अगर 120 में बेच दिया तो 20 का लाभ, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, आप बोलेंगे भैया 20% का लाभ हुआ है। सभी को क्लियर, एक सवाल जो अक्सर एग्जाम में, ये सवाल जितने भी सवाल करवा रहा हूं ये हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है। एक सवाल बोला है 6 आर्टिकल, इस सवाल को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, 6 आर्टिकल को 5 रुपए में खरीदा गया। अच्छा, 6 आर्टिकल को कितने में खरीदा गया, तो खरीदा गया 5 रुपए में, 5 आर्टिकल को 6 रुपए में बेच दिया गया। अच्छा, अब 5 आर्टिकल को 6 रुपए में बेच दिया गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऐसे सवाल में याद रखिएगा जो सामान है ना उसको बराबर कर दीजिएगा, आंसर आपके पॉकेट में होगा। मैंने क्या बोला, ऐसे सवाल में सामान को बराबर कर दीजिएगा। सामान को बराबर कैसे कर सकते हैं, एक काम करिए ऊपर वाले को 5 से गुना कर दीजिए, नीचे वाले को 6 से गुना कर दीजिए, तो 6 5 30 आर्टिकल यानी 30 सामान हो गया। इसको कितने में खरीदा, 25 में खरीदा, 6 5 30 30 आर्टिकल को, उसी आर्टिकल को कितने में बेचा, तो 36 में बेचा। इसका मतलब कितना पैसा लाभ प्रतिशत कमाया, 25 के सामान को 36 में बेच, कितना का फायदा हो गया इससे, 11 का।
ग्यारह का फायदा कितने रुपए लगाने पर हुआ? 25 रुपए लगाने पर। तो कितने प्रतिशत होगा? तो 4 और 11 चौके 44% का उसे लाभ प्रतिशत होगा। अगला सवाल हमारे सामने है, इस सवाल को भी बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग देखिएगा, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। एक दुकानदार लागत मूल से 20% ऊपर अपने लेख को चिन्हित करता है और 20% की छूट भी देता है, ठीक है, लेकिन 1 किलो के बजाय 800 ग्राम का उपयोग करता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। एक समान समझिए आप सभी, एक दुकानदार मूल से 20% ऊपर अपने लेख को चिन्हित करता है। मान लो आप सभी, 1 ग्राम का दाम अगर 1 रुपया है तो 1000 ग्राम का दाम कितना होगा भाई? आप बोलेंगे भैया 1000 रुपया होगा, ठीक ना होगा, 1000 रुपये होगा। अब दुकानदार बहुत चालाक है भाई, दुकानदार क्या किया, क्या किया भैया दुकानदार, दुकानदार क्या किया ना, अपने सामान में 20% की बढ़ोतरी कर दिया, यानी ये 1000 ग्राम को कितना कर दिया, 1200 ग्राम, यानी 1200 रुपये कर दिया, ठीक है। लेकिन वो सवाल में क्या कर रहा है, 1 किलो के बजाय 800 ग्राम का उपयोग करता है। आहा, यहीं पर सवाल आप सभी को समझना है, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। बहुत लोग ऐसे सवाल में गलती करते हैं, लेकिन मैं बार बार बोलता हूं, बहुत आराम से करेंगे, सवाल आपसे कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। 800 ग्राम 20%, 9%, एक सवाल आपका यही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक सवाल आपको हटा दिया है, बहुत प्यार समझना। अब एक बात समझिए, यहां 1200% का क्या 20% की छूट दे रहा है, अच्छा अच्छा, अब क्या कर रहा है, 20% बढ़ाने के बाद 20% का छूट भी दे रहा है। छूट किस पर दे रहा है? तो दाम बढ़ाने के बाद जो दाम हुआ इस पर, ठीक है, ये नहीं होगा 20% का छूट, तो इसका 20% कितना होगा, 1% 120, 2% 240, 240 काट दीजिए, यानी 960 रुपए में उसे सामान दिया दुकानदार फाइनली ग्राहक को। लेकिन वो दिया कितना, वो दिया भैया 1 किलो के जगह पर 800 ग्राम, यानी वो 1000 ग्राम का माल नहीं दिया है, वो 800 ग्राम का माल दिया है। उसे 800 ग्राम का माल का उसे पड़ा कितना था खरीदते वक्त, तो 800 रुपए, क्योंकि 1 ग्राम का दाम 1 रुपया है, तो 800 ग्राम का 800 रुपए पड़ा होगा, यानी 800 रुपए के सामान को वो 960 में बिक्री कर दिया। इतना पैसा कमाया, तो 160 रुपए कमाया, कितना रुपए लगाने के बाद, 800 रुपए लगाने के बाद, ठीक है, तो कितना परसेंट ज्यादा कमाया, 2 जीरो से 2 8 से गाएगा आपका 2 बार में 20%। सभी को क्लियर होगा सवाल, 8 × 2 = 16, 2 से 2 जीरो और 8 × 2 = 20%। एक सवाल, अंतिम सवाल, जो कि अधिकांश एग्जाम में आप सभी से पूछता है, इस सवाल को अच्छे समझना। 33 मीटर कपड़ा बेचकर, कपड़ा कितना बेचा, 33 मीटर बेचने के बाद एक व्यक्ति को 11 मीटर की लागत मूल्य प्राप्त करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत खोजे। एक बात बताइए, आपको पता होगा, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे होंगे, कि आपको पता होगा 33 मीटर कपड़ा बेचा, यानी 33 मीटर बिक रहे मूल, ठीक, 33 मीटर कपड़ा बेचा बाबू, हाँ भैया बिल्कुल बेचा, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर भैया क्या होता है, लागत प्लस फायदा, कितना लागत, कितना पैसा लगाया, कितना सामान बेचा है, तो सामान तो बेचा है भैया 33 मीटर, 33 मीटर यानी सीपी, ये सामान बेचा, सामान तो यही बेचा है ना, सामान बेचा कितना, सामान इतना बेचा, और कितना सामान खरीदा, यानी 33 सीपी खरीदा होगा। अब फायदा कितना हो रहा है, 11 मीटर लागत मूल्य का, यानी प्लस 11 ये फायदा कमा रहा है, लागत मूल्य का ये फायदा है बाबू। अब एक बात समझिए आप सभी, 33 मीटर लागत, 33 मीटर विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, 44, तो यहां से सेलिंग प्राइस आपका कितना निकल जाएगा, 44, और लागत कितना निकल जाएगा आपका, 33। अच्छा, 33 रुपया लगाकर 44 रुपए में बेचा, कितना का फायदा कमाया, 11 का फायदा कमाया, 11 का फायदा जो कमाया है
वो कितना लगाने के बाद, 33 लगाने के बाद, तो 100 के ऊपर कितना होगा, ये सवाल बोल रहा है। 3 और 100 बटा 3 मतलब 33, 1/3% आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं ये 10 क्वेश्चन आप अपने दिमाग में छाप कर रखोगे, अच्छे से दिमाग में छाप लीजिएगा। ये पक्का ग्रुप डी के एग्जाम में किसी ना किसी सेट में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा, एक लाइक मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए,